ये मेरे तरफ से आपके लिए। हम आपको शाम को अच्छा लगते हैं इसलिए आपको अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए हमें थैंक यू। एवरीवन दिस इज मी कारा, ये मेरा थर्ड ब्लॉग है। वी हैव विजन राइट हियर एंड ऑन द लेफ्ट साइड डॉन। सो वी आर हियर एट आईजी पार्क। सो आज संडे था तो हैंग आउट भी कर लेगा सोच रहा था, एंड वी गार्डन आइडिया एक वीडियो भी बना लेगा सोच रहा था। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द डिलीवरी बॉय। वैसे डिलीवरी सर्विस के बारे तो आपको पता ही होता होगा, ये इतना मतलब बहुत एक हार्ड जॉब है ये जो, और जितना भी खराब मौसम हो या कुछ भी उनका प्रॉब्लम हो उन लोगों को तो डिलीवर करना ही पड़ता है। और यहाँ का बहुत सारा स्टूडेंट्स लोग ऐसा ही कि वो लोग पढ़ भी रहे साथ में ऐसे पार्ट टाइम जॉब वो लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत एक मुश्किल का काम है, बहुत एक हार्ड जॉब है। डिलीवरी बॉय तो मतलब डिलीवरी सर्विस तो बहुत मुश्किल वाला काम होता है ना, किसी के धूप हो कुछ भी मौसम हो वो लोग को तो डिलीवरी करना ही तो पड़ता है। तो जब अगर वो लोग डिलीवरी करके आते आपके घर तक आते हैं तो आप लोग को अच्छे से उसके रिगार्ड करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि वो लोग अच्छा काम किए। इंस्टीड ऑफ आर्गूमेंट्स की क्यों ले तो है ये क्यों है ऐसे ऐसे आर्गूमेंट नहीं करके कि उल्टा अच्छे से वो लोग के साथ में अच्छे से बात करके थैंक यू ऐसे बोलने का अच्छे से अप्रिशिएट करना चाहिए। सो वी रिसेंटली वॉच ए वीडियोज ऑन यूट्यूब ऑफ दिस टू गाइज, जिसमें डिलीवर बॉय को उसका हार्डवर्क पे बेसिस में उसको रिवार्ड देता है। सो वी थॉट वी गना डू द सेम थिंग। सो आज का सीन कुछ ऐसे है, वी गना ऑर्डर ए फूड। रिसेंटली एक ऐप लॉन्च हुआ है एपीएच का नाम से, जो कि ईटानगर में बहुत चल रहा है, इवन ऑल द यूट्यूबर्स आर प्रमोटिंग देम। देखते हैं वी कैन वी गना यूज़ द एपीएच, उसका डिलीवरी कैसे होता है एंड हाउ दे रिस्पॉन्स आर। तो आज हम लोग फूड ऑर्डर करने वाला है और जो डिलीवरी बॉय आएगा उनको हम लोग उनके हार्ड वर्क का बेसिस में उसको हम लोग रिवार्ड करेगा, मतलब हम लोग ऐसा करेंगे कि उनका जो फूड जो लाएगा उसको हम लोग पे करेगा और उनको ही वापस मतलब दे देगा ऐसे टाइप। या वी आर एक्चुअली पेइंग फॉर द फूड और आप लोग को दिखाएगा उसका रिएक्शन कैसे होता है, लेट्स सी। सो वी गोना प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम द एपीएच, इट्स एपीएच गोल्डन क्राउन से लेता है तो हाँ, ये प्रॉन संग ही मंगवा दो, प्रॉन संग है हाँ। ओके एड इट्स एडेड, लेट्स ब्यूटर्ड पेप्सी पीने दे प्लस लेट्स एड सेवन लोकेटेड करता है अपना एरिया को। सो डिलीवर नाउ, कैश ऑन डिलीवरी कर देगा। ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड एंड दिस इज द गाय हु विल बी डिलीवरिंग द फूड फॉर अस एंड so let's wait for him. So we had a call, शायद उसी से है। हेलो, एपीएच से बोल रहा था। या एपीएच, हाँ अभी अभी मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था। आपको कितना टाइम लगेगा? शायद करीब 15 मिनट तक। Oh, it will take 15 minutes. Yeah, sure, sure. So right now, अभी एपीएच का डिलीवर बॉय कॉल किया हमको, वो बोल रहा था कि इट्स विल टेक 15 मिनट्स। आई थॉट दिस 30 मिनट्स, इट्स 15 मिनट्स, इट्स नाइस, इट्स 15 मिनट्स में इतना जल्दी आ जाना, इट्स अ गुड थिंग। सो लेट्स वेट फॉर हिम। फाइनली वो आ गया। आपको कितना साल हो गया, मतलब कितना कब से कर रहा है? मेरा हो गया अभी एक महीना हो गया। ये क्या फ्राइड राइस है ना? हाँ वही, आप जो मंगाया था ना। नहीं एक्चुअली ये आपके लिए ही था ना। हाँ आपके लिए ऑर्डर, क्योंकि आपका हार्ड वर्क का बेसिस में हम लोग इसको ले रहे, लाइक आप लोग कैसे इतना नगर में इतना ऐसे ऐसे जाके वही धूल में तो सोचा है ना हम लोग कि आपके लिए खरीद के दे देगा आपका हार्ड वर्क। हाँ नाइस टू मीट यू, मतलब आपको अच्छा लगेगा, ये आपके लिए था एक्चुअली। थैंक यू आप लोग, ओह सरप्राइज होते हैं तो बहुत रहा। और ये फ्लिपकार्ट रूम आया नहीं कुछ ना, इट्स फॉर मी, आप लोग हार्ड वर्क का पैसा। थैंक यू। कैसा था एक्सपीरियंस? इट्स वाज लाइक सडनली वो आ गया ना, हम लोग लाइक प्लेसिंग भी नहीं किया था तो वो अचानक से आ गया, मालूम ही नहीं चला कब आ गया। 15 मिनट्स का समय दिया, वो 5-10 मिनट्स में पहुंच गया था सडनली। और इवन इसका हम तो कैमरा को रिकॉर्ड करने में बटन हम जो बटन दबाया था, लेकिन देखे तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। तो इस वक्त लाइक इतना अच्छा से नहीं हो पाया है, बट वी ट्राई टू कैप्चर द ऑल। अभी अभी नेक्स्ट में अच्छा से करेगा, अभी नेक्स्ट में अच्छा से करेगा उसको अच्छे से। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लोकेशन, जो कि डीके कन्वेंशन हॉल में है, क्योंकि अभी वहाँ पे सेम नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत तकलीफ हुआ था कैमरा मैन लोग को, अब ये लोग सिखाना भी पड़ेगा कि कैमरा कैसे यूज़ करते हैं। और ये बिहाइंड द सीन वाला कैमरा मैन जो कि बात करूँ। सो
तुमको भी कुछ बोलना है? वाज अ नाइस एक्सपीरियंस ब्रो। तो अभी हम लोग दोरजी कांडू कन्वेंस हॉल में आए हैं, तो ये अभी नया लोकेशन में ट्राई करते हैं फिर से सेम चीज़। वो जगह अच्छे नहीं था इसलिए मेरा कैमरा ही नहीं हुए, रिकॉर्ड नहीं हुए, बुद्धू मत समझो। तो अभी हम लोग यहाँ ट्राई करते हैं, और इस बार हम लोग ऐसा करेंगे कि दो, मतलब हम लोग थोड़ा ज़्यादा मंगवाए तो ऐसा करेंगे 50-50 करेगा, आधा उनको दे देगा आधा हम लोग। तो मेरे से भी कैमरा नहीं हो रहा था, तो अभी हम कैमरा नहीं खींचेगा, अभी हम जाके वो डिलीवरी बॉय से जाके हम सामान लेगा, मेरा कैमरा अभी वो खींच देगा। So one more thing, I would like to recommend this app, AP8 or newly launched one, and it's like interface both acha and easy to use. You guys can also use this because it's cool to like 15 minutes mein phone jata hai delivery and point to be not bahut jaldi pahunche yeah it's 15 minutes mein nahi like 10 5 minutes mein kab pahunche pata nahi chala, that's why we can't capture the all the moments. So one more thing, ye video promotional video nahi hai by Epic, so we saw a video on YouTube jo Nania Said Kustam ka tha, but wo Philippines ka tha, so we thought hum log bhi aise kuch karega, so we had a idea, so we are doing the same thing what they did. So let's place another order. This time we gonna order a pizza. Tum dono bhi pizza khayega na? Ha ekdam, kuch bhi chalega mere liye, ab to kuch bhi chalega. So this time we will order from Vivek Cafe Itanagar se. So let's order a pizza. Kaun sa lens theek hai? Which one? Humne hamburger khayega, Mexican burger. Sure. Kerala burger. Yeah. Eight. Aur pizza bhi khayega to. Pizza hi mangana extra. It's automatic located our area, so we're gonna process. It's total cost around 709 rupees. So let's order now. So the delivery boy has been accept our order. His name is Mr. Toli Basar. So here's the icon of his vehicles, scooty. So अभी वो इटानगर में है, so वहाँ से होके आई जी पार्क आएगा, so let's wait for him. डिलीवर वो अभी कॉल कर रहा है, let's see ये भी क्या बोलता है. हेलो भाई, आपका ऑर्डर कहाँ लाना है? हाँ, मेरा ऑर्डर को ये DK कन्वेंशन हॉल का बाहर में गेट पे लाना है. या ऐसे ऐसे कॉल करो, सो आई थिंक वो थोड़ा न्यू है इस बिजनेस पे, तो उसको ये DK कन्वेंशनल हॉल पता नहीं है. दिस लिटिल क्यूट स्कूटी इंडिकेटेड वेयर ही इज एक्चुअली. अभी रिसीव हम नहीं करेगा, रिसीव ये करेगा. और हम लोग का वन कैमरा मैन वो ऊपर में है, एंड अनदर इज देयर, एंड मे बी हम वो अंदर से खींचेगा. सो लेट्स डू दिस. यहाँ से आबो तनी जाता है क्या रास्ता? यहाँ से नहीं, यहाँ से रास्ता नहीं है, लोगों का वो मुख्य जाना है. थैंक यू. यहाँ पर तो आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है? नहीं, ठीक ठीक है, ये आपके लिए. अच्छा ऐसे क्या? ना, थैंक यू, मेरे तरफ से. थैंक यू. वैसे आप यहाँ पर न्यू है क्या? हाँ, नया है. नया ना, वो इसलिए जगह जाने में प्रॉब्लम हो रहा होगा. हाँ वही तो, अभी कुछ दिन ही हुआ है वो किया वाला ना, इसलिए बहुत तकलीफ है. ये मेरी तरफ से आपके लिए, हम आपके काम को अच्छा लगते हैं ना, इसलिए आपको अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए हम. थैंक यू. दे ये वो था क्या, कैश ऑन डिलीवर? ऑनलाइन पेमेंट हो जाने? ऑनलाइन पेमेंट ना प्रॉब्लम होता है. हाँ हेलो. हाँ ये अभी का ये ऑनलाइन पेमेंट है ना? अरे ऑनलाइन पेमेंट लिख देना ना, अरे हम गलती से मांगने से इज्जत खराब हो जाना था मेरा. तो होगा तब तो. थैंक यू. थैंक यू. वैसे आपको कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता है ऐसे नौकरी करने में? आई मीन बहुत हार्डवर्क लगता है क्या? हाँ लगता है, लेकिन क्या करेगा, बहुत हार्डवर्क लगता है. वैसे आप क्या करते हैं अभी? हम कुछ भी नहीं, यही है ग्रेजुएशन करने के बाद ऐसे बैठा हुआ है. तो दोन तेरा कैसे हुआ है? शायद मैं तो अभी तो अच्छा होना चाहिए, आई मीन कि उसको पता भी नहीं चला कि हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, और वो बोला कि आज मतलब उसका न्यू है ना ये ऐसा नौकरी, न्यू ज्वाइन किया. इवन वो हमको आने के साथ साथ पूछे यहाँ से अब तो नहीं क्लोनी जाते हैं, पता ही नहीं है उसको. तो अभी मैं ख्याल से अच्छा होना चाहिए. तो तुम सब चीज़ को तो लेके नहीं आया ना, उसको दिया था ना? दिए हम, दिए. एंड टिफ, व्हाट अबाउट द टिफ? टिफ भी दिए. और तेरा क्या हुआ, तुम अच्छा से खींचा? एकदम डायरेक्ट अरुणाचली हिंदी मूवी. सो एवरीवन डिड अ ग्रेट जॉब, सो हम भी इसी से खींच रहा था. सो अभी इसके बाद अभी हमने जो बर्गर ऑर्डर किया था उसको खाएगा, एंड देन आफ्टर कुछ और भी बाकी है उसको बताएगा. सो हम लोग का खा के हो गया अभी,
अभी हम लोग अबो का घर जाएगा, इसका कुछ प्लान है बोलते, पता नहीं क्या प्लान करके रखे। आई ऑर्डर समथिंग जो कि घर में जाके बताएगा। तो अभी हम लोग घर अभी यहाँ से ऑर्डर लेके अभी इसका घर निकलेगा अबो का, तो वहाँ पर ये कुछ प्लान किया है, पता नहीं क्या प्लान किया है, देखते हैं क्या करते हैं। पीस ऑर्डर आ गया बाय द फूड बाजार। सो दिस इज आवर थिंग फूड, आपको घर जाके बताएगा व्हाट इज इट। ये इतना काफ़ी नहीं है बट वी कैन ऑफलाइन से भी ले लेगा। सो इट्स कॉस्ट मी अराउंड 1000। हे गाइस, सो हमें फाइनली अपना रूम आ गया। सो आप रूम नहीं आ पाए, जूम है एंड द बिहाइंड द सीन्स वाला कैमरा मैन तकरू अब हम नहीं क्यों नहीं आ पाए बोले, उसका कुछ काम आ गया सो वो चला गया। एंड अभी जो हम लोग आप जो सरप्राइज था उसका अभी हम लोग रिवील करेगा कि हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। सो लेट्स फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो वो आज हम लोग मोमो चैलेंज करेगा विद मीट माय चैलेंजर। हाय, दिस इज लाइजिन डोमिंग एंड आई एम अ यूट्यूबर लाइक हिम, इनके जितना अच्छा नहीं होगा यूट्यूबर हूं। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू हिज चैनल, ही इज माय ब्रदर और ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। प्लीज या Hi, myself is Kapil Mumi. Hi, myself Afzal Awam. I'm Kara's friend. Do subscribe this channel. Hey guys, my name is Vijay Nigel Indian. So we're gonna start our Momo Challenge. So let's begin. So सभी को Momo Challenge करने वाले हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे सभी के plate पे 25 pieces रखा गया है और बाद में जरूरत होगा तो और हम निकालेंगे। और फिलहाल तो रूल बहुत सिंपल है, जो सबसे ज्यादा मोमो खाएगा या फिर खाएगी वो होगा या फिर होगी विनर। सो जो विनर होगा उसको मिलेगा गोवा ट्रिप मेरे साथ जाने का मौका। सो लेट्स बिगिन। ये दिस इज माय पर्स। सो दिस ऐसे में 50 और खा सकता हूं। बाकी जो 2000 वाला सारे में अभी इसका
आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और इनका वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट देखो आप लोग के लिए कभी बात नहीं करता था, लेकिन आप लोग के लिए बात करना क्योंकि बहुत एक बड़ा बात है। और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारे अंडर से यूथ को मोटिवेशन की सब जरूरत है। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।